तो डिफ्रैक्शन में क्वेश्चन है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन इज इंसिडेंट ऑन अ स्मॉल अपर्चर, गिवन है बीम इज नो लॉन्गर पैरेलल बट डाइवर्जेस एट 1 डिग्री टू द इंसिडेंट डायरेक्शन, तो यानी कि इसकी बेंडिंग 1 डिग्री पे हो गई, तो थीटा यानी कि 1 डिग्री है। फर्स्ट मिनिमा का केस है, अपर्चर का डायमीटर निकालना है, ए निकालना है। फर्स्ट मिनिमा क्या होता है, ए साइन थीटा 1 लैम्डा, तो यहाँ से साइन थीटा लैम्डा बाई ए, तो ए आ गया। अब थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 1 डिग्री। अब एंगल छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, पर यार 1 डिग्री को 1 लिखेंगे तो 1 तो मैक्सिमम वैल्यू है, छोटा कहाँ से आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस। एंगल छोटा है तो साइन ऑफ एंगल कैन बी रिटन एज एंगल। अब सॉल्व करेंगे तो एंगल नेगलेक्ट कैसे करना है, समझ में आ रहा है, डिग्री में नहीं करना, किस में करना है, रेडियंस में करना है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो है बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक है, फॉर्मूला बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन एंगल निगलेक्ट कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, यंग्स एक्सपेरिमेंट, तो चलो होमवर्क है ये खुद करना, YDSC। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट और सिक्स्थ मिनिमा डिफ्रैक्शन के अंदर ए गिवन है, कैपिटल डी गिवन है, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज्ड इज लैम्डा गिवन है, क्या निकालना है, स्लिट विड्थ निकालनी है। तो इसके अंदर आपको डिफरेंस गिवन है, किसका डिफरेंस गिवन है, जो डिफरेंस गिवन है किसका गिवन है, फर्स्ट और सिक्स्थ मिनिमा का। तो सिक्स्थ मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो डिस्टेंस गिवन है आपको, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, ए निकालना है। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, हिंट दे रहा हूं, करना आपने होमवर्क ही है, ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है। फिर से माइक्रोवेव्स हैं, स्लिट विड्थ ए गिवन है, वेवलेंथ निकालना है इफ फर्स्ट मिनिमम इज फॉर्मड एज एट 30। तो फर्स्ट मिनिमा का मतलब क्या होता है, ए साइन थीटा 1 लैम्डा, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, बाकी सब कुछ गिवन ही है इसमें। तो आपने इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे हो ना सके, तो आप इसको होमवर्क लिखें, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ये भी आप एक बार ट्राई करेंगे, डिफ्रैक्शन की शीट, और यहाँ तक ठीक है, ये होमवर्क।